गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं अनिल सर, स्टर्निंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से पुनः आपके सामने लेसन नंबर 2 वाच को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसी लेसन को पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वाच क्या है, वाच की परिभाषा क्या है, वाच के कितने भेद होते हैं, कर्तृवाच क्या है और अकर्तृवाच क्या है। अब यहाँ पिछले वीडियोज में हमने आपको बता दिया था कि अकर्तृवाच के दो भेद होते हैं, एक कर्मवाच और दूसरा भाववाच, कर्मवाच और भाववाच। अब कर्मवाच क्या होता है और भाववाच क्या होता है, यह अकर्तृवाच भेद के अंतर्गत आएगा। तो कर्मवाच क्या है, इसकी परिभाषा आप देखिए कि जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार, ध्यान दीजिए कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य की जो भेद है उसमें फर्स्ट जो है वो कर्मवाच्य है और दूसरा है भाववाच्य। अब इसमें कर्मवाच्य क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार, अब क्या हो रहा है, क्रिया का व्यापार कर्म के साथ होता है, क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो मतलब उसका पूरा का पूरा एक मीनिंग बने, वहाँ कर्मवाच्य होता है, उसका कुछ अर्थ निकले मतलब निकले। जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है या कहलाता है। इसमें कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, वचन, नंबर एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो वहाँ कर्मवाच्य कहलाता है। कर्म की इसमें प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। क्रिया का लिंग, वचन और कर्म पुरुष के अनुसार उसके कर्म होते हैं और कर्ता का लोप हो जाता है मतलब कर्ता यहाँ से विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा प्रयोग होता है, यहाँ कर्ता का लोप हो जाएगा, कर्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और दिया जा रहा है, या कर्ता के बाद आपको दो शब्द देंगे, या तो से रहेगा या तो के द्वारा होगा। इस से और के लिए हम आपको पिछले क्लास 8 में आपको बताया गया था कि कारक किसे कहते हैं, कारक केस, केस क्या होते हैं, केस 8 प्रकार के होते हैं। उसी केस के अंतर्गत ये से और के द्वारा ये विभक्ति या चिन्हों को कहा जाता है। केस में विभक्ति और चिन्ह जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि कर्ता 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। उसी में विभक्तियों का जो चिन्ह होता है वो से और के द्वारा होता है, इतना आप जानते हैं। तो आइए यहाँ ध्यान दीजिए कि कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब ये जो कर्ता के बाद से आ गया यहाँ द्वारा, अब आप ध्यान दीजिए कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, के द्वारा ना लिख करके द्वारा हो गया है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ के द्वारा हो या द्वारा हो उसका तात्पर्य एक ही होता है। दूसरा देखिए, राजा द्वारा न्याय किया गया, यहाँ भी वो चीज़ दिया गया, राजा द्वारा न्याय किया गया, इसका मतलब है राजा के द्वारा न्याय किया गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अभी आपसे पूछा है कि किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो आप तुरंत बता देंगे कि राम के द्वारा। न्याय किसके द्वारा किया गया, आप बता देंगे कि राजा के द्वारा न्याय किया गया। तो तीसरे में दिया गया है कि पक्षियों से, यहाँ से आ गया है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कर्ता के बाद से, पक्षी के बाद से आ गया, आकाश में उड़ा जाता है, यहाँ पक्षियों से, आकाश में किससे उड़ा जाता है, आप तुरंत बता देंगे कि पक्षियों से। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है, फिर से एक बार देख लीजिए कि कर्म में कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता उसके बाद से अथवा के द्वारा आ जाता है। ठीक,
अब दूसरी हेडिंग है भाववाच्य। भाववाच्य जिसे आप फीलिंग कहते हैं, वो यहाँ ध्यान देने योग्य बात आइए देखें। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर, अभी आपने कर्ता की प्रधानता देखा, कर्म की प्रधानता देखा, लेकिन इसमें क्या होगा आपको, न तो कर्ता प्रधान होगा न तो भाव, यहाँ बल्कि कर्ता न प्रधान होगा न तो कर्म प्रधान होगा, बल्कि तीसरा जो है वो भाव प्रधान होगा। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर सिर्फ भाव की प्रधानता होती है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर, न तो इसमें कर्म प्रधान होगा न तो इसमें कर्ता प्रधान होगा, बल्कि एक तीसरा जो भाव है वो प्रधान होगा, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगा, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। ध्यान दीजिए कि ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन में रहेगी, पुल्लिंग रहेगा और अकर्मक होगा, पुल्लिंग के बाद अकर्मक रहेगा तथा अन्य पुरुष में होगा, पुरुष उत्तम मध्यम और अन्य। तो जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों से पढ़ा जाएगा, मुझसे शोर में सोया नहीं जाएगा, ये आपके अंतःकरण की फीलिंग है, ये जो आपके मन से भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है, ऐसे चीज जहाँ आए वहाँ समझ लीजिए कि वो भाववाच्य है। भाववाच्य में सिर्फ आपके अंदर का जो इमोशन होगा वही प्रकट होता है। आप चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, ये चीज है। तो आज आपका भाववाच्य का कुछ बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अववाच्य का परिवर्तन कैसे होता है उसके विषय में आपको हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।